आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप। भैया जी प्रणाम। ये सब क्या चल रहा है? भैया जी, सुरक्षा का फीस पहले उन सबको देते थे, अब आपके दरबार में आ गए हैं। आई गाड़ी सब चलाने के काम में आएगा, अब बाकी सब जो लोग है सब पुलिस केस वाला है, किसी पे हाफ मर्डर किसी फुल मर्डर। भैया जी, कुछ लोग यूपी से आपका नाम सुनकर आए हैं, अब इतना लोग आएंगे तो देख के लगे ना कि दिवाकर दुबे जी का घर है। और ये सब हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपना सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। क्या है ना कि हम भी आप ही की तरह विद्यार्थी थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन जब आत्मदाह के नाम पे भाई को जला दिया ना, तो मजबूरन मारना पड़ा। सर पे 4.5 लाख का इनाम लेके घूम रहे हैं। अब अरे खुश रहा बेटा। माई, ये सब जो हुआ है क्या लग रहा है? बेटा, हम तुम्हारे बाबूजी जितना पढ़े लिखे तो नहीं है, पर इतना जानते हैं कि पहले कोई अपने दरवाजे की तरफ पलट के देखता भी नहीं था, लेकिन जब से ये सब हुआ है तब से अपने घर को मंदिर समझ के लोग माथा टेकने लगे हैं। अब सब कुछ सही हो रहा है। ठीक। आशीर्वाद माँ का पाकर। चलिए चलिए, आप सब लोग अपना सामान लेके यहाँ से निकलिए। अरे बहुत, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ये सब हमारी मजबूरी है। ये जो 40 लाख रुपया है, अगर ये गरीब जनता तक पहुंचने लगे तो? भैया जी, छा जाइएगा आप जनता के बीच में, फिट हो जाइएगा, हीरो बन जाइएगा आप सबके बीच में। प्रशासन के सामने खड़ा हुआ दिवाकर दुबे का शासन विधायक जी, अरे इतना नौकर चाकर के रहते हुए ये आप क्या कर रहे हैं? क्या करें, देख नहीं रहे मसाला दर रहे हैं। जब से मेरा रुके मलसी बनाया है, तब से हमारे गैस पे भगवाना चढ़ता ही नहीं है। क्या करें, अलग से व्यवस्था किए हैं, मसाला दर रहे हैं और भगवाना चढ़ाए हैं, और मटन खातिर गोईठा सुलग रहा है। विधायक जी, हाँ अभी अटन मटन का बात छोड़िए, कुछ पता भी है आपको? का? अरे लोग आजकल अदालत और पुलिस चौकी कम डीजी के दरबार में ज्यादा जाने लगे, वहां उनको तुरंत फैसला भी मिल रहा है, और अब तो लोग उसको सरकार समझने लगे हैं। अच्छा, क्या प्रधान जी, तो आप लोगों ने ये फैसला कैसे लिया कि आप लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी जा रहे हैं हम लोग, रोज रोज के लूटमार, राजनी आतंक, रेप, जगन टंटन के आतंक से तंग होके जा रहे हैं। बोल रहे हैं काहे गांव छोड़ के जा रहे हैं? अरे महाराज, खाली राघव के लड़का का फिरौती नहीं समय पर गया तो उसका पेट फाड़ के लाके गाँव में पटक दिया, और पूछ रहे हैं काहे गाँव छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए आप, एक बार हमको उनसे बात करने दीजिए, फिर जो आप लोग को उचित लगेगा वो कीजिएगा। जाओ रे तुम लोग, हम आते हैं। अब समस्याओं का निदान प्रशासन के द्वारा नहीं
दिवाकर दुबे के शासन के द्वारा होने लगा। उसका एक ही मकसद, या तो अपराध छोड़ दो या दुनिया। अरे आइए 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 पंडित जी आइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बैठिए। आप आए कष्ट किए, हम आ गए होते। कष्ट कहेगा, देखो टंटन, चोरी हत्या तक तो ठीक था, लेकिन ये रेप और बच्चों के साथ अन्याय ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो आपका काम ठीक है, गेरुआ ओढ़ के ठाकुर जी का कथा बाँचते हैं। देखिए गनीमत इसी में है कि आप हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए, और हम आपके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। बंदूक डोते डोते सठिया आ गए हो। अरे मजाक कर रहे हैं, भैया को बबुआ हुआ है, 3 तारीख को छठियार है, न्योता देने आए थे, पूरा फैमिली के साथ आना है। काहे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, झूठे न डरा दिए थे। अरे हम पंडित जी से प्यार जो इतना करते हैं, ला रे दक्षिणा ला। हाँ हाँ, ये लीजिए। ली पंडित जी लीजिए, कुछ तो पाप कम होगी। अरे जब पाप में उतर गए हैं तो काहे का प्रवचन, आइएगा जरूर। जरूर आएंगे आएंगे पंडित जी। आने में थोड़ा लेट हो गए पंडित जी। कहाँ यार, बड़ा देर कर दिए, कहाँ थे? चलो आओ। आइए बैठो। खाना होना लगवा। जी भैया जी जी। अरे पंडित जी, आपके साथ खाना खाने आए हैं हम लोग, अकेले कैसे खा सकते हैं? आइए आप भी बैठिए। आइए लगा दो हमको भी। जी भैया। अरे खाना खाते समय तो बंदूक हटा दीजिए आप लोग। अरे हटा देंगे तो लोग डाकू नहीं साधु समझेंगे। हटाइए मत, कम से कम आराम से रख के खाइए। ये बात सही बोले हैं पंडित जी। अरे रख दो रे। रख दीजिए आराम से। बन गया रॉबिनहुड, गरीबों का मसीहा।